आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए देश में महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराध किसी भी प्रकार का अपराध अपराध होता है। आज महिलाओं के अपराध को लेकर के बात करेंगे कि चाहे वो किसी के घर की बेटी हो, बहू हो, और चाहे वो किसी की बीवी हो, कहीं पे भी किसी भी वक्त अगर किसी महिला के साथ में अपराध होता है, छोटा या बड़ा अपराध नहीं होता है, अपराध अपराध होता है। आज आपको एक बात बताते हैं। आज जब सुबह मैं निकला तो मैंने रोड पे एक हादसा देखा होते हुए, एक मोटरसाइकिल से एक आदमी जा रहा था और एक लड़की को एक अभद्र चिन्ह बनाते हुए दिखा रहा था। उस अभद्र चिन्ह पर जिस प्रकार से महिला ने आक्रोश जताया, मेरे तो दिमाग में एक बात आई कि क्या इस प्रकार के अपराध को क्या किसी FIR की ज़रूरत है, क्या थाने जाने की, या 100 नंबर या 1090 या 1076 जिन पर कार्रवाई होती है, होती भी है कि नहीं होती वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन जो CCTV फुटेज लगे हुए हैं लाखों के राजधानी में और पूरे देश में करोड़ों अरबों के जो CCTV फुटेज लगे हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके अंदर महिलाओं के साथ अपराध होते हुए दिखते हुए भी कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई कि देश में क्या हो रहा है और देश में ये अपराध की जो रेशियो है वो कितना बढ़ गया है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार का रोकथाम नहीं लगा पा रही है। CCTV फुटेज में अगर हर रोज पुलिस प्रशासन, हर जिले के SSP महोदय अगर देखें तो महिलाओं के साथ में वो अत्याचार उनको कैद CCTV फुटेज में दिख जाएगा। लेकिन क्यों इंतजार करते हैं किसी की शिकायत का? क्या उस आदमी को वो सलाखों के पीछे नहीं भेज सकते? CCTV फुटेज एक ऐसा सबूत है जिसको गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। अभद्रता जो होते हुए महिलाओं के साथ में दिख रही है, अगर उस प्रकार से उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार कहीं ना कहीं थमेंगे। लेकिन देश में काम कौन करना चाहता है? सरकार काम करना चाहती है कि शासन प्रशासन? किस प्रकार से कौन काम करना चाहता है? हर बार एक महिला अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाते हुए वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। आज आपको बात करेंगे महिलाओं के साथ ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार, हम बनेंगे उनकी आवाज़। हम जैसा हमेशा आपसे कहते हुए आए हैं कि अत्याचार किसी के ऊपर भी हो, अत्याचार अत्याचार होता है, लेकिन अत्याचार को किसकी आवाज़ चाहिए? क्या किस प्रकार से हम अपनी लड़ाई लड़ें, किस प्रकार से हम अपनी बात को प्रशासन और शासन के पास रखें, जिनको हम वोट दे करके उस सीट पे बैठाते हैं, उस सीट पे बैठने के बाद वो AC की हवा खाते हुए जनता को भूल जाते हैं और जनता तड़पती रहती है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है। आज इसी तरीके से राजधानी में एक महिला तड़प रही है न्याय के लिए ट्रामा सेंटर में, और ट्रामा सेंटर में लड़ाई वो लड़ रही है अपनी सासों के साथ में। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कब थमेंगे, इसी की खोजबीन में हम भी लगे हुए हैं और बात करते रहेंगे हमेशा अत्याचारों की। देखिए, हमारे आज संवाददाता ने रेड ब्रिगेड महिला से एक बात किया और जाना किस प्रकार से जो उन्नाव दुष्कर्म कांड है उसके ऊपर उनकी क्या राय है। सबकी आंखें नम है, देश उसके न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। क्या सरकारें सुनेंगी? क्या मोदी सरकार जागेगी? क्या अपराधों के ऊपर लगाम लगेगी? जिस प्रकार से गरीब तबका आदमी दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ शासन प्रशासन तक के नहीं पहुंच रही है। तो देखिए एक विशेष रिपोर्ट, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। नमस्कार, खास बातचीत में आज हमारे साथ हैं रेड ब्रिगेड की अध्यक्ष उषा विश्वकर्मा जी, जो कि महिलाओं के हक की लड़ाई भी लड़ रही हैं और काफी
आहत भी हुई हैं उन्नाव दुष्कर्म कांड से, वहीं महिलाओं पे जो बढ़ते अत्याचार, जहां सरकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रही हैं? खास बातचीत में शुरुआत करते हैं उषा विश्वकर्मा जी से और जानते हैं उनका क्या कहना है उन्नाव दुष्कर्म कांड पर और जिस तरह से महिलाओं पर बढ़ते अपराध जो होते जा रहे हैं उस पर। मैम क्या कहेंगी? जी नमस्ते, मैं उषा विश्वकर्मा। और अभी जो पूरा देश जल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो उन्नाव जिला है, और पिछले साल भी इस पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। लड़की ने शिकायत की और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पिता थाने में गया, पिता को मार दिया गया, बहुत सारे पुलिस कस्टडी में ही मारा गया। और वो पूरा प्रकरण, वो पूरा 6 महीने उस समय चला, फिर किसी तरह उसकी हिरासत में सेगर हुए। और इस बार जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक है कि कानून का समाज में डर नहीं रहा है और पूरा शासन लगा हुआ है और पूरा देश लगा हुआ है। यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कई पार्टियां भी कर रही हैं। हम महिलाएं सभी आहत हैं इस घटना से और सबको डर लग रहा है कि अगर कोई लड़की शिकायत करने जा रही थाने में या किसी कानून का सहारा ले रही है, कोर्ट जा रही है, उसके बाद भी वो बच नहीं पा रही है, तो ऐसी कानून व्यवस्था किस काम की है? बिल्कुल, उसमें एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसा जब जिस दिन हादसा हुआ, जहाँ पुलिस सुरक्षाकर्मी भी उसमें पीड़िता को मिले हुए थे, 3 पुलिसकर्मी थे, मौके पर ही वो पुलिसकर्मी लापता हो गया, या किसी तरह से क्या लगता है कि षड्यंत्र का हिस्सा कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, मतलब इस सारी घटना को देख के लगता है कि पूरा प्रशासन ही मिला हुआ है। और बहुत ही शर्म की बात यह है कि एक तरफ पार्टी को वो बहुत बड़ी पार्टी बताते हैं, बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है कि अगर उन्हीं के पार्टी का व्यक्ति एक नीच काम कर रहा है, गिरी हुई हरकत कर रहा है, तो उनको ये क्यों नहीं लगता है कि ऐसे गिरे हुए लोग को तुरंत निकालना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो उनके पार्टी की गरिमा है वो बची रहे, वो किसी भी पार्टी की बात हो। और ये जो घटना हो रही है, एक लड़की अगर अपनी शिकायत करते हैं, बात तो बहुत लंबी लंबी हो रही है कि पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, और बहुत सारे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, जैसे 1090 दिया गया है, 181 दिया गया है और 100 दिया गया है, लेकिन शिकायत करने उस लड़की की हिम्मत के बाद भी आज वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। पूरा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा है और सबकी निगाहें उस बच्ची पर है, तो ये सारी व्यवस्था विफल हो रही है। ये सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, सच में उनके साथ और भी बुरी स्थिति होती जा रही है, उनको गिराया जा रहा है। जैसे कि सरकार एक तरफ बोलते है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो वहीं उनके ही पार्टी के विधायक जो हैं वो बेटियों को खींचने का काम कर रहे हैं। उनके साथ कई भाजपा नेताओं का ऐसा मामला सामने है जिसमें महिलाओं से दुष्कर्म करते हुए पकड़े भी गए, लेकिन जहां उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का मामला है कि 2 वर्ष पहले का मामला हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था, काफी मशक्कत मीडियाबाजी के बाद सीबीआई ने जब पकड़ा था तब गिरफ्तार हुए थे, वहीं पार्टी ने उनको निष्कासित भी नहीं किया था। आज जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, रेप पीड़िता जो जिस तरह से आज अपनी मौत से जूझ रही है, परिवार खो चुकी है, पिता खो चुकी है, और वहीं आज 2 साल बाद भाजपा जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को निष्कासित करते हैं, तो क्या ये कदम काफी दिन पहले नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, ये अगर पिछले वर्ष ही ले लिया होता तो आज ये घटना ना होती। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो अभी जाति का पक्ष ले रहे हैं, वो चाहे ठाकुर हो या अन्य जातियां हो, और ये बड़े शर्म की बात है, जिस कास्ट के शेगर हैं उन कास्ट पे शेम है कि अगर वो चाहें तो ऐसे लोगों को अपनी जात से बाहर कर दे, अगर वो, क्योंकि वो चाहे छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो, अगर जात की बात आती है तो जिस तरह जात उनका सपोर्ट कर रही है, और बड़े ही शर्म की बात है कि वो ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जो कि किसी कंडीशन में किसी लायक नहीं है। वो सिर्फ एक जात की बात नहीं है, क्या आपके उस जाति में क्या बेटियां नहीं है? आज एक घटना आपकी बेटी के साथ हो रही है, और अगर कहीं ये चीजें भड़की अलग कास्ट के लोग आपके साथ कर रहे हैं तो ये तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जैसा कि सरकारों के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां सरकार को एक फटकार भी लगाई कि किस तरह से कानून व्यवस्था हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो उस पर आपका क्या कहना है? और जहां तक महिला सुरक्षा की बात कर रही है सरकार, वो तो कहीं ना कहीं विफल है।
देखिए ये मैं फिर से बोलूंगी, ये कानून व्यवस्था बहुत ही लचीला है, इस पे थोड़ा सा इसको कठोर होने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार ही सारी चीजें प्रूफ्ड हो गई थी, और आपने जैसे कहा कि वो थाने में ही उस व्यक्ति की घटना, उसके पिता की घटना हुई थी, इसके बाद भी जो प्रक्रिया चली है, जो ढीलापन चला है, कानून के लापरवाही से ही उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो पाई है कि आज वो इस कंडीशन में है। मुझे लगता है कि मैं एक लड़की हूँ, और इस घटना को देखने के बाद भी कितनी लड़कियों को हिम्मत हो पाएगी कि अपनी शिकायत करें, तो इसको सरकार की भी सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह वो कानून व्यवस्था चला रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, और सरकार को तो छोड़िए, सरकार तो ये सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन समाज से एक अनुरोध है और एक रिक्वेस्ट है कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम फिर उसी कानून की दुहाई दे रहे हैं, कानून से डिमांड कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरा समाज निकले और ये बोले कि अब कानून के बस की बात नहीं है, ये फैसला हम करेंगे, ये पूरा समाज करेगा। जिस दिन ये चीजें हो जाएंगी, वो कानून हो या सरकार हो, सबको अपनी औकात पता चल जाएगी। जी ये बताएं, कब से रेड ब्रिगेड चला रही हैं? रेड ब्रिगेड लखनऊ 2011 में हम लोगों ने शुरुआत की है, और अभी तक शनिवार को ही हम लोग 1,00,000 लड़कियों को पूरा किए हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मतलब कम्प्लीट किए हैं, महिलाओं को सुरक्षा भी, अपनी रक्षा करना सिखाते भी हैं। तो ये बताइए, इससे पहले कितनी सरकारें अभी तक आपने देखी होंगी जिसमें अपराध के जो आंकड़े इस सरकार के रहे हैं? क्या अगर मैं आंकड़े देखूं तो मतलब 1.5 दशक से तो मैं देख रही हूं ये कि उम्मीद तो किसी से नहीं रही है। जैसे कि पिछली सरकार के 5 साल के जो आंकड़े रहे हैं वो इस सरकार के 1 साल के। बात आंकड़े की नहीं है, मैंने बोला कि मैं 1.5 दशक से देख रही हूँ कि वो चाहे पिछली सरकार हो या पिछली से पिछली सरकार हो, वो सबकी जो घटना है वो वही है। बात एक लड़की की हो या 1,000 लड़की की, जिंदगी तो लड़की की तबाह हो रही है ना, तो वो क्या सिचुएशन, वो क्या माहौल समाज में लाया जाए कि हर लड़की बेखौफ होके निकल सके और बोल सके हाँ कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कें भी सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अभी तक, हो नहीं पाया सरकारों के जो वादेदार, सारी सरकार ऐसी ही है। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत में उषा विश्वकर्मा जी, जो कि रेड ब्रिगेड चला रही हैं और उसकी अध्यक्ष भी हैं, और काफी महिलाओं को और लड़कियों को अपनी सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस भी सिखाती हैं। लेकिन इस कहीं ना कहीं इस उन्नाव दुष्कर्म और महिलाओं और लड़कियों पर जो बढ़ते अपराध अत्याचार हो रहे हैं, उससे आहत भी है। इनका कहना है कि कानून व्यवस्था जो ध्वस्त होती चली जा रही है, और कानून से जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं उठता चला जा रहा है, और हम फरियाद जो हम निवेदन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, जो भ्रष्ट प्रशासन है उससे। इनका कहना है कि क्यों ना जनता एक साथ सामने आए और कहे कि इस मामले में हमें निस्तारण करना, ना कि सरकार को। जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी सरकार को लगाई है, लेकिन जहां पीड़िता आज मौत से जूझ रही, सोशल मीडिया पे कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी देश में बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, जिसमें कई पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे संवाददाता विक्रम कश्यप ने बात की उन्नाव दुष्कर्म कांड को लेकर के, और पूरे देश में हो रहे अपराध को लेकर के, कि महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं को जिस प्रकार से न्याय नहीं मिल रहा है। रेड ब्रिगेड की अध्यक्ष उषा विश्वकर्मा से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश में महिलाओं को लेकर के अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, और सरकारें जाग नहीं रही हैं, काफ़ी उससे आहत हैं। और उन्होंने बताया कि देश ही में नहीं, विदेश में भी जा करके वो महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, अन्याय के खिलाफ हमेशा लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए और हमारे चैनल को और मजबूत बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर के और गरीबों के साथ अन्याय को लेकर के, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज, नहीं होने देंगे आपके साथ में कोई भी अन्याय, और हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे। हंगामा टाइम्स न्यूज देखते रहिए और बताते रहिए हमारे कार्य के बारे में। आप कैच द न्यूज, बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार।